हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक टू फ्रेंड्स में। आज के वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए जो ज़्यादातर रेल यात्रा करते हैं या फर्स्ट टाइम रेल यात्रा कर रहे हैं या उन्हें किसी भी ट्रेन की डिटेल चाहिए कि वो ऑन टाइम है या लेट है या कैंसिल है। तो मैं आज इसके बारे में आपको बताऊँगा, एक ऐप के बारे में आपके सामने लेके आ रहा हूँ। वो ऐप, उससे आप स्टिक बिल्कुल स्टिक टाइम टेबल आप देख सकते हैं। उस ऐप से आप ट्रेन का ऑन टाइम है यानी बिल्कुल सारी डिटेल देख सकते हैं। उससे मैं आपको ऐप के अंदर ही बताऊंगा कि आप उससे क्या क्या डिटेल चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले बता रहा हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए। कहीं ना कहीं कोई अगर बात छूट जाए तो आपको आगे आपको ही दिक्कत आ सकती है। तो और इस ऐप का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, ये ऐप है वेयर इज़ माई ट्रेन के नाम से, जो कि मैं कई महीनों से यूज़ करता आ रहा हूँ। तो दोस्तों, ये सबसे पहले आपको ओपन होने के बाद ऑप्शन देगी कि इंग्लिश हिंदी किस में आपको चलाना है। मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ तो सबमिट कर दिया मैंने इसको। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि आपको देखना कि मुझे किस जगह से कहाँ तक जाना है, उसके बीच में कितनी ट्रेन है और उनका टाइम क्या है। जैसे मान लीजिए मैं टाइप करता हूँ यहाँ पर भिवानी, जिस स्टेट से मैं हूँ, भिवानी जंक्शन से, और मुझे जाना है दिल्ली। तो दिल्ली में मुझे क्या जाना है, ओल्ड दिल्ली में जाना है। तो फाइन ट्रेन कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर ट्रेन आ गई है कि दिल्ली जंक्शन से ओल्ड दिल्ली जंक्शन तक जाने वाली ट्रेन आ गई है, और साथ में उनका टाइम टेबल आ गया है और उनकी फ़ीस भी आ गई, कितनी उनकी फ़ीस है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इतनी सारी ट्रेनें आ गई है, ट्रेन का नंबर आ गए, और ये है दिल्ली भिवानी से दिल्ली पैसेंजर जो कि डेली चलती है, और उसका किराया जनरल जनरल वाले डब्बे का 30 रुपये है, और वैसे ही किसान एक्सप्रेस है जिसका 55 रुपये का डेली का किराया है। अब हमें कोई भी पूरी डिटेल लेनी किसी भी इनमें से किसी ट्रेन की, तो उस पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये आपको ऑप्शन मांगे कि लोकेशन वाली ऐप दे दीजिए। देखिए दोस्तों, अभी इसका जो ट्रेन का शेड्यूल है वो इस ऐप ने दिखा दिया है। देखिए अभी वो ट्रेन जस्ट कहाँ है, अभी वो ट्रेन खबरा कलान में है और इतने बजे। अब देखिए दोस्तों, अभी ये ट्रेन डिपार्चर का इधर टाइम है, यहाँ पर अराइवल का टाइम है, और टुडे यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ से अभी हम इंटरनेट से कनेक्ट है, आप यहाँ से इंटरनेट से कनेक्ट पे 3-4 ऑप्शन आएंगे। सेल टावर, सेल टावर आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब आप ट्रेन के अंदर हो। तो ट्रेन के अंदर होगे तो आपको एग्जैक्ट डिटेल दिखाएगी टावर के हिसाब से। और GPS का मैं आपको बताऊंगा, GPS का कब होगा यूज़, इसने खुद ही बता रखा है कि यूज़ इनसाइड ट्रेन ओनली। GPS का यूज़ होगा कि आप ट्रेन की स्पीड देख सकते हैं, वो स्पीड कितनी स्पीड से चल रही है वो ट्रेन आपकी। तो देखिए दोस्तों, अभी ये जो रेड में आपके पास आ रहे हैं वो क्या रहा कि ट्रेन लेट चल रही है, और जो उसमें अंतर है अराइवल में और डिपार्चर में जितना भी है वो इसका लेट टाइम होगा। और यहाँ पर जो ग्रीन आ रही है उस पर दिखा रखा है कि ये टाइम पे पहुँच जाएगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अभी ये यहाँ से चल रही है, बाद में आएगी भिवानी जंक्शन पे आएगी, मतलब अभी भिवानी जंक्शन पे आई नहीं है, भिवानी जंक्शन पे आएगी 10:55 पे, जो कि उसका पीछे का टाइम था। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करोगे ये जो बैठा हुआ है कुर्सी पे साइन, अब इसमें देखिए आपको क्या मिल जाएगी, पूरी डिटेल मिल जाएगी ट्रेन की कि कितने जो डब्बे हैं वो जर्नल के हैं, कितने डब्बे जो क्या होता है जो हम रेजिडेंस वाले करते हैं बुक करते हैं ऑर्डर, वो वाले डब्बे, तो इसमें सब डिटेल आ जाएगी। ये देखिए दोस्तों, इतने डब्बों पर इतनी सीट है, या इधर विंडो है या प्राइजल है, सब डिटेल मिल जाएगी आपको इधर। और दोस्तों, मैं आपको फिर से, ये टुडे की है, और अगर आप देखना चाहते हैं कल वो ट्रेन आएगी या नहीं आएगी तो आप उस पर टुमारो कर सकते हैं। तो टुमारो करने के बाद आपको देखिए, अभी ये सर्चिंग हो रहा है, तो अभी ये चली नहीं है, ये टुमारो की है। अब ऐसे ही आप किसी भी ट्रेन का देख सकते हैं, और इसमें डेट लगा सकते हैं, डेट कब की देखनी है आपको, जनरल में देखनी है, AC में देखनी, किस में देखनी, आप सभी के पता लगा सकते हैं। वैसे ही अगर आपको ट्रेन नंबर याद है, ट्रेन नंबर याद है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, मतलब ट्रेन नंबर या ट्रेन नेम कोई भी हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि अभी वो ट्रेन कहाँ है और कब कहाँ जाएगी। तो जैसे ट्रेन नंबर मैं यही भर देता हूँ जो अभी अभी दिखा रखा है, ये देखिए दोस्तों, नीचे ट्रेन नंबर आ जाएगी, ये किसान एक्सप्रेस है, अभी इसकी डिटेल आ जाएगी यही, ये टुमारो पर क्लिक कर रखा था मैंने, अभी टुडे पर कर दीजिए, तो टुडे पर अभी कहाँ है ये, अभी देखिए
ये मेहंदी अडमपुर पहुंचने वाली है। तो ऐसे बिल्कुल आपको ऑन ट्रैकिंग, जो आपकी एक्चुअल ट्रैकिंग होगी ना, वो आपको पता चलेगी ट्रेन की कहाँ है वो ट्रेन। तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको कि आप मतलब घर से लेट चले तो आपको, आप देख सकते हो अपने हाथ में अपने स्मार्टफोन में कि ट्रेन अभी तक कहाँ आई है, आपको कितनी जल्दी करने की ज़रूरत है। ऐसे ही आपको PNR नंबर उसका ट्रेन का होता है, वही आपको टाइप करना होता है यहाँ पर सीट, वही उसमें आपको देखना होता है कौन सी सीट आपको बुक करनी कौन सी नहीं। साथ में आपको यहाँ पर दिखेगा कि आप डेट टाइम टेबल, टाइम टेबल में यही सब कुछ आ जाएगा जब आप ट्रेन का शेड्यूल देखेंगे। लैंग्वेज में आपकी लैंग्वेज आ गई कि आपको इंग्लिश चूज़ करना है, हिंदी चूज़ करना है, सब कुछ। फिर आती है आपकी सेटिंग, सेटिंग में तो आपको कुछ नहीं करना, जो डिफ़ॉल्ट में डिफ़ॉल्ट में रहना। आपको शेयर ऐप, इस एयर को ऐप को शेयर करना हो तो आप शेयर ऐप कर सकते हो, रेटेस जो रेट करना हो। और मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि इसमें जो GPS वाला था वो आपको बताता हूँ कैसे, जैसे मैंने फाइंड ट्रेन किया, जैसे अभी किसान एक्सप्रेस में किया, तो वो कब होगा जब हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि GPS करेंगे, GPS ओनली करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक्यूरेसी GPS आ गया, और यहाँ पर अब ट्रेन की स्पीड गैस करेगा, गैस नहीं एक्चुअल मेजर करेगा। वैसे देखिए मैं अभी तो घर पे हूँ जहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको यह अभी नहीं दिखाएगा। अब देखिए डायरेक्ट इसने इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया है, तो जैसे आप ट्रेन में होगे तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने यूज़ करके देखा है, ये बिल्कुल सही बताता है। और दोस्तों हालांकि ये ऐप बहुत ही अच्छी है, मैं बहुत महीने से इसे यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई बग नहीं मिला अभी तक इसमें, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग दिखाती है। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये ऐप ज़रूर डालिए, जो भी पर्सन जो भी रेल में ट्रैवल करते हैं उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये ऐप। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करना, और मैंने इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो।